नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करते होंगे कि आप मुस्कुराते होंगे, हंसते होंगे, खिलखिलाते होंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो चल ही रहा है और आपको बहुत मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ रही है एफिलेटेड कॉलेज के लिए, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन से सारे कॉलेज का काम बन जाएगा आपका। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि, छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब का एक बटन दबा दीजिए, अगर नहीं दबाया है तो बाकी मैक्सिमम लोग दबा ही चुके हैं, मजबूरी भी है आपकी दबाना। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक है, उसको भी आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आपको सारी कट ऑफ, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ तुरंत मिलती रहेगी, वो अपडेट होती रहती है। इसके बाद मेरी खुद की आईडी है, मन करे तो मेरे से भी आप ऐड हो जाइए, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप अपने काम की चीज़ों को पहले ऐड कर लीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का पेज। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की कट ऑफ के विषय में एनालिसिस हो रहा है कि ISDC यानी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी। ये भी अपने आप में बहुत बेस्ट कॉलेज है, बहुत अच्छा अफिलेटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, और इसकी कट ऑफ का एनालिसिस सारे कोर्स का कैटेगरी वाइज मैं करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आखिरी तक जुड़े रहिएगा, वैसे मैक्सिमम लोगों का एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप देखिए जरूर इसको। BA का कोर्स में सीटें लगभग यहाँ पे 2500 प्लस हैं, मतलब 2000 के ऊपर की सीटें हैं। इतना मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है, मैंने पिछला वीडियो डाला है, आप जाके उसको देख लीजिए कि सीट किस कोर्स में कितनी है। BA का जो कट ऑफ रहने वाला है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 300 नंबर रहने वाला है, यानी 300 के ऊपर जो भी हैं वो अपना एडमिशन ईश्वर शरण में एकदम पक्का समझें। आपका एडमिशन वैसे भी हो रहा है कॉलेजेस में। कॉलेज की विशेषता ये है कि मतलब जैसे ही कॉलेज का एडमिशन चालू होगा वैसे सारे बच्चे भटकेंगे, जिसको मेन कैंपस में बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा वो कॉलेज जाएगा, बहुत लोग अलग अलग कॉलेज जाएंगे, तो इससे कॉलेज की कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। थोड़ा सा समझिए प्रक्रिया। BA कोर्स के लिए 300 नंबर रहेगा, जनरल कैंडिडेट थोड़ा सा हाई रहता है, EWS वाले 250 के करीब रहेंगे, तो जो थोड़ा बढ़ा के लिखा जाता है जिससे कि प्रिडिक्शन गलत ना जाए। EWS भी और OBC भी 250-240 के आसपास, 240 नंबर तो बहुत, 900 में तो आप लोग आए तुक्का ही मार के ले आ दिए होंगे, लेकिन हाँ उतना भी बहुत लोगों को नहीं आया है। जनरल लिस्ट में 0 नंबर पाए, बहुत लोग माइनस में भाग गए हैं, क्या तुक्का लगाए थे आप, समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसे कैंडिडेट अगर 100 नंबर के ऊपर है, 150 नंबर के ऊपर है, तो आप अपना एडमिशन ST कैंडिडेट ऑल, यानी जो BA की कट ऑफ रहेगी थोड़ा वैरी करेगी। 300 नंबर जनरल, यानी 300-310-290 के आसपास जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में हो जाएगा। BSc मैथ में यहाँ की सीटें ज़्यादा हैं, बायो में कम है, CMP में मैथ में कम है, बायो में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैथ में ज़्यादा है। यहाँ की सीटें मैथ में प्लस है और यहाँ पे माइनस है बायो में, तो जो मैथ की कट ऑफ रहेगी वो थोड़ी सी कम रहेगी, मैथ की जो कट ऑफ रहेगी थोड़ी सी कम रहेगी, देख लीजिए अपने हिसाब से, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। BSc मैथ की जो कट ऑफ रहेगी वो 350 के करीब जनरल कैंडिडेट की रहेगी, और 330-320-300 के करीब रहेगी EWS कैटेगरी की, 300 के करीब भी रहेगी OBC कैटेगरी की, और SC कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है 250 के आसपास, क्योंकि सीटें यहाँ पे मैथ में ज़्यादा है, बायो से ही कट ऑफ कम रहेगा। ISC कैंडिडेट यहाँ पे भी 200 नंबर जिसका भी होगा उसका एडमिशन बहुत आराम से ईश्वर शरण के मैथ के डिपार्टमेंट में हो जाएगा। यहाँ पे जो BSc है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, 10,000 फीस है यहाँ की BSc की, खुद से BSc करवाती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का मार्कशीट देती है, लेकिन इसका BSc का फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और फीस वृद्धि के बाद फीस और भी बढ़ गई हो, लेकिन BA की फ़ीस यहाँ पर वही है। अब नई फीस कितना आएगी कितना नहीं आएगी वो आपको बताया जाएगा, बाकी फीस वृद्धि तो आपकी कर दी गई है। BSc बायो में जो कट ऑफ है वो भी इसी के आसपास रहने वाली है, 350 नंबर जनरल, 310 नंबर EWS, 300 नंबर OBC, 250 SC, 150 ST। इसके साथ साथ BCom में जो है 700 नंबर में, अगर आपका 350 नंबर जनरल कैंडिडेट में है तब आपका एडमिशन हो सकता है, 310 नंबर अगर आपका है 300 के करीब तब आपका EWS कोटे में हो जाएगा एडमिशन, 300-290 आपका हो जाएगा OBC कैटेगरी में, 270-250 के आसपास आप रहेंगे तो ST कैटेगरी में आप एडमिशन ले लेंगे, और 200 नंबर के आसपास रहेंगे तो आप ST कैटेगरी में आपका एडमिशन बहुत आराम से हो जाएगा। BLLB में बहुत कॉम्पिटिशन हाई है, तो जिसका नंबर बहुत ज़्यादा हो वही उम्मीद करें, यहाँ पे सिर्फ 75 सीटें हैं,
BA LLB में सिर्फ 75 सीट्स हैं, तो आप इतना जान लीजिए कि बहुत कट ऑफ गिरने मिलने वाली चांस नहीं है। इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है 500, 480, 470, 400 और 300। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और ये सारी एनालिसिस आपको ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की है, तो आराम से इसको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।